हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट ट्वेल्थ जुलाई का द हिंदू का एनालिसिस करेंगे अगर आपका एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन ऑन कर देना चलिए स्टार्ट करते हैं डी यू वी सी रिजेक्ट्स एडिशन ऑफ मनुस्मृति रीडिंग टू फैकल्टी ऑफ लॉ सिलेबस तो यहाँ पर डी यू के जो फैकल्टी ऑफ लॉ है फैकल्टी ऑफ लॉ डेली यूनिवर्सिटी डेली यूनिवर्सिटी Proposed, proposed addition of readings from Manusmriti, Manusmriti to the syllabus, to the law syllabus. taken okay, na vice chancellor rejected, vice chancellor. योगेश सिंह रिजेक्टेड तो वाइस चांसलर ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये वाला मनुस्मृति अब मनुस्मृति क्या है मनुस्मृति क्या है मनुस्मृति लीगल टेक्स्ट है फर्स्ट नॉन लीगल टेक्स्ट फर्स्ट लीगल मतलब सबसे पहले अगर लिखित में लॉ आया लीगल टेक्स्ट इन इंडिया तो वो मनुस्मृति है ठीक है जी तो ये है अब क्वेश्चन ये बन सकता है कौन सी यूनिवर्सिटी ने कहा था डेली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि भैया मनुस्मृति पढ़ा देते हैं रिजेक्ट हो गया मनुस्मृति क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा इस बारी तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद आगे चलेंगे सेकुलर रेमेडी सेकुलर का मतलब क्या होता है सेकुलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो रिलीजियस में इक्वल होगा ठीक है ना यहाँ तो वो किसी की साइड भी नहीं होगा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल होगा ठीक है ना अब सेकुलर का बेस्ट एग्जांपल है जैसे हमारी जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं तो इंडिया जो है इंडिया की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है इंडिया की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन है उसके लिए सारे रिलीजन एक ही होंगे राइट अब यहाँ पर बात हो रही है देखो यार मेंटेनेंस क्या होती है मेंटेनेंस नहीं नहीं घर की मेंटेनेंस नहीं मेंटेनेंस जो एक टर्म है वो इसलिए भी ये नोट मत करना मैं समझा रही हूँ यहाँ पर तुम्हें सिर्फ मेंटेनेंस जो है जब हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है और कोर्ट तक बात पहुंच जाती है तो सबसे पहली चीज़ ये होता है क्योंकि इंडिया के अंदर देखा गया कि जो वाइफ है वो मोस्टली अभी आज की डेट में भी हाउस वाइफ होगी होम मेकर होगी वो ठीक है ना उसकी कोई अर्निंग्स नहीं होंगी उसको कोई घर चलाने के लिए पैसा नहीं आ रहा होगा अब वो वाइफ जो है वो अपना खर्चा अपने एक्सपेंसेस अपने बच्चों का एक्सपेंसेस अगर बच्चे हैं तो वो कैसे चलेंगे ऑब्वियसली हस्बैंड इज़ इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट है ना नो नो डाउट उनकी बन नहीं रही है बट हर रोज का खर्चा तो चल ही रहा है तो इसीलिए जो हस्बैंड है वो वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है जैसे ही केस स्टार्ट होता है वैसे ही मेंटेनेंस जो है वो पहली चीज लगती है नो डाउट इंडियन कोर्ट्स में लेट भी हो जाता है बहुत कुछ होता है टाइम पे भी लग जाती है बट दैट इज मेंटेनेंस तो दिस इज द टर्म मेंटेनेंस अब मुस्लिम्स के अंदर क्या होता है जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होता है पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है जब जैसे अब हिंदू लॉ है वो तो कोडिफाइड है मतलब पूरा लॉ बन गया है पर्सनल लॉ के अंदर क्या होता है मुस्लिम लॉ के अंदर ऐसे लिखित में नहीं है कि ये होगा वो होगा जो मौलवीज कहते हैं वो होता है और इसके अंदर जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा ही ब्लर सा है वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत इद्दत जो होता है आई थिंक थ्री मंथ्स का पीरियड होता है दैट इज़ uh, जैसे मुस्लिम्स uh, का अज्यूम uh, करते हैं ये अली है ठीक है ना और ये सलमा है ठीक है मैंने मुस्लिम नेम्स ही लिए हैं थोड़ी स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए समझदार बना समझाने के लिए अच्छा तो क्या ही है तो अली और सलमा की नहीं बनी ठीक है ना अली ने सलमा को डाइवोर्स दे दिया ठीक है ना अब जो सलमा है वो इद्दत के पीरियड से गो थ्रू करेगी इद्दत का पीरियड जिसके अंदर वो शादी और मतलब ये पीरियड होता है जब में आप शादी नहीं करते हो और बेसिकली इसका जो एम होता है ना इद्दत के पीरियड का वो ये देखने का होता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है ठीक है ना तो वो इसके ड्यूरिंग शादी नहीं कर सकती और वो कह रहे हैं कि इद्दत के पीरियड के ड्यूरिंग वो मेनटेन करेगा उसके बाद लड़ लड़का जो है वो नहीं मेनटेन करेगा मुस्लिम्स के अंदर ये था ठीक है अब इस चीज़ में कि मेंटेनेंस नहीं लग सकती है प्रॉब्लम है ठीक है मेंटेनेंस तो जरूरी है कि अगर लड़की नहीं कमा रही है खुद से तो कौन देखेगा उसको घर भी वापस नहीं जा सकते हैं पुराने जमाने में तो घर पर भी कोई नहीं लेता चलो अब तो फिर थोड़ा जमाना मॉडर्न आ रहा है घर वाले देख लेते हैं बट फिर भी जो एक मैरिड लड़की है उसको तो हस्बैंड पर ही डिपेंडेंट होती है वो अगर खुद से नहीं कमा रही है तो इंडिया के अंदर मेंटेनेंस के ऊपर क्या वो है देखो यार हिंदू लॉ के अंदर तो मेंटेनेंस की बात करी हुई है बहुत क्लियर कट बट अगर कोई हिंदू नहीं है तो वैसे क्या है तो वैसे जो है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ठीक है ना अब तो ये चेंज हो गया हो गया है कोई और लॉ आ गया है बट इन्होंने सी की बात करिए तो अभी यही करते हैं सेक्शन 125 ट्वेंटी ऑफ सी जो है ठीक है ना वो क्या कहता है कि मेंटेनेंस देनी पड़ेगी ठीक है ना वो हस्बैंड वाइफ uh, की मेंटेनेंस के बारे में बात करता है एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल वुमेन ऑफ सॉरी फॉर दब ऑल रिलीजन मुस्लिम हिंदू कोई भी तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि सेक्शन 125 ट्वेंटी फाइव ऑफ सी आर पी सी के अंदर दे सकते हैं या नहीं ये बहुत पहले उठा था 1985 फाइव में क्वेश्चन आया था और बहुत ही फेमस केस हुआ शाह बानो का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ मेंटेनेंस मुस्लिम जो वाइफ है मुस्लिम औरत भी जो है वो सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव सी आर पी सी के अंदर ले सकती है बट फिर नाइन्टीन एटी सिक्स में लॉ लेकर आए ठीक है ना नाइनटीन के अंदर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स लेकर आए और इसके अंदर ये वाली जजमेंट को नलीफाई कर दिया नलीफाई का मतलब क्या होता है खत्म कर दिया कि मतलब कहने का कि सेक्शन 125 ट्वेंटी जो है वो मुस्लिम को नहीं एप्लीकेबल होगा तो फिर उनको मेंटेनेंस कैसे मिलेगी तो बहुत सारे इशूज़ इस चीज़ में आए बट अब जो ये जजमेंट आई है इसके अंदर बोला है कि नहीं एक मुस्लिम वुमेन जो है वो सेक्शन वन के अंदर सी के अंदर अपनी मेंटेनेंस जो है वो मांग मांग सकती है दिस इज अ बिग जजमेंट ठीक है बहुत बड़ी बात है मैं भी आपको यह बड़ी बात ना लग रही हो बट एक लड़की जिसको डाइवोर्स दे दिया गया है और उसके पास अपना खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं है तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो घर भी वापस घर वाले भी मे भी उसको वापस ना लें तो वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे चलाएगी खाएगी क्या पहनेगी क्या सब बेसिक चीजें तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं जजमेंट को पहले आई होप आपको ओवरव्यू में कुछ कुछ समझ में आ गया होगा रीडिंग देकर ज़्यादा समझ में आएगा इन होल्डिंग दैट अ डायवोर्स मुस्लिम वुमेन इज नॉट बार्ड फ्रॉम इन वोकिंग द सेकुलर रेमेडी ऑफ सीकिंग मेंटेनेंस अंडर सी आर पी सी वो क्या कह रहे हैं ये सेकुलर रेमेडी है इसका कोई रिलीजन नहीं है ऐसा नहीं कह सकती कि सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव ऑफ सी आर पी सी जो है वो हिंदूज को ही एप्लीकेबल है या क्रिश्चियंस को ही एप्लीकेबल है ये सबको एप्लीकेबल है ऑल रिलिजन्स को एप्लीकेबल होगी क्या होगी ये इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन्स

ये वाला मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का जो लॉ है वो कहता है कि सिर्फ इद्दत के पीरियड के ड्यूरिंग में एक मुस्लिम औरत को जो है मेंटेनेंस दी जाएगी ठीक है ये जजमेंट जो अब आई है वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है सेक्शन 125 ट्वेंटी का जो है वो एक सेकुलर सेक्शन है उसके अंदर भी एक मुस्लिम लेडी जो है वो मेंटेनेंस मांग सकती है डायवोर्स लेडी जो है ठीक है ना अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो 1986 का लॉ था ये बहुत ही बेकार था क्यों बेकार था क्योंकि शाह बानो केस की जो जजमेंट आई थी विच अलाउड अ डाइवोर्स वुमेन टू अप्लाई फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 125 ट्वेंटी फाइव ऑफ द सी आर पी सी ये वाली जजमेंट को इस वाले लॉ ने नलीफाई कर दिया था खत्म कर दिया था कि नहीं मुस्लिम औरतें जो हैं वो सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव सी आर पी सी के अंडर मेंटेनेंस नहीं मांग पाएंगी क्यों करा ऐसा क्योंकि तब औरतें नहीं पढ़ी लिखी थी तो जो मेन uh, मेल थे ठीक है ना उनकी वोट्स चाहिए होती थी तो उनको पटाके रखना था तो इसीलिए ये किया औरतों को तो पता ही नहीं था ना क्या चल क्या है, बट अब औरतें जो हैं वो पढ़ लिख गई हैं ठीक है अब उनको पता है अगर वो नहीं भी काम करी है, उनको मतलब पढ़ाई करी है तो अवेयर तो है विच इज गुड सब्सिक्वेंटली द 1986 एटी सिक्स लॉ वॉज अपहेल्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंचिन टू थाउजेंड वन आफ्टर कमिंग क्लोज टू डिक्लेयरिंग इट्स प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन ठीक है अब यहाँ पर 1986 का लॉ का अपहेल्ड बाई 2001 और ये सब ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ ये तो था कि मुस्लिम वुमेन फिर कहाँ जाएगी ठीक है मतलब ये बड़ी गलत बात है कि एक हिंदू है उसको मेंटेनेंस मिलेगी अपने हस्बैंड से बट क्योंकि वो मुस्लिम है और मुस्लिम मेल्स ने ये किया कि मतलब एक तरह की प्रोटेस्ट हुई थी कि अरे क्यों हम मेंटेनेंस दें विट इज़ नॉट गुड ठीक है ना अल्टीमेटली आई होप हमें इस चीज़ को ऐसा लेना चाहिए कि आज शायद आपको अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर करके उसको मेंटेनेंस देना बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो बट कल को जब आपकी बेटी उस जगह पे खड़ी होगी ना तो शायद आप कहोगे कि हाँ बनती है तो हमें हिपोक्रेट्स नहीं होना चाहिए हमें एक प्रॉब्लम को आ, मतलब किसी और के नजरिए से भी देख लेना चाहिए द लेटेस्ट वर्डिक्ट बाय द बेंच ऑफ जस्टिस बी वी नगारथा एंड जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी सेटल्स दिस क्वेश्चन बाय होल्डिंग दैट द कोडिफिकेशन ऑफ अ मुस्लिम वुमेन्स राइट इन नाइनटीन एटी सिक्स एक्ट इंक्लूडिंग द राइट टू मेंटेनेंस ज्यूरिंग द इद्दत पीरियड प्रोविजन फॉर डिग्निफाइड लाइफ अंटिल शी रीमेज एंड रिटर्न ऑफ मैन एंड ऑरी वॉज ओनली एन एडिशन टू तो उन्होंने ना ये मतलब दोनों जजेस ने अपना अपना अलग अलग ओपिनियन दिया बट कहा यही है कि हाँ ठीक है मेंटेनेंस मिल सकती है उनको इसके अंदर ठीक है ना तो यहां पे लिखेंगे जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट दैट मुस्लिम वुमेन मुस्लिम वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस यहां पे ना डाइवोर्स वुमेन लिखा है तो ये डाइवोर्स ही लिखें तो सही है मुस्लिम डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन आर इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ चलो मैं तुम्हें एक होमवर्क देती हूँ तुम ढूंढो कि अब जो नया वाला एक्ट आया उसका नाम क्या है और अब ये सेक्शन उसमें है या नहीं है अगर है तो नंबर कौन सा है चलो काम करो ये तुम मैं तो अभी बीमार हूँ ना तो मदद कर दो मेरी ठीक है और हाँ कॉमेंट्स में जो पूछते हैं कैसे हो आई एम रिकवरिंग मेरा वाइटामिन डी बहुत से वेर लो है तो um, um, तो मेरी बॉडी कुछ भी रिएक्ट करती रहती है और आई द ओनली वे टू डू इट इज टू सिट इन द सन ईट माई मेडिसिन एंड टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट विच आई एम डूइंग ट्राइंग टू डू एट लीस्ट तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स सी आर पी सी का फुल फॉर्म ठीक है अब यहाँ पर ना हम पूरी बैक डिटेल लिखते हैं सबसे पहले हम डिटेल लिखते हैं कि किस किसने दिया है अब किसी ने पूछा था ना कि जजेस का नाम याद रखना चाहिए या नहीं तो अब इस वाले केस में हम जजेस का नाम रखें याद रखेंगे बिकॉज तुम्हें नहीं पता ये बहुत नगर नगर अथना ठीक है ना आथना ठीक है तो नगर अथना याद हो जाएगा बीवी नगर बीवी नगर में घर है किसका अथना का ठीक है एंड ऑगस्टिन जॉर्ज दिस जज इज सच अ गुड जज आई कैन नॉट इवन टेल यू मतलब ही सच अ पोलाइट जज लगता ही नहीं कि जज है मतलब ही इज नॉट हैविंग दैट ईगो एटीट्यूड ही इज सच अ नाइस जज इफ यू एवर बिकम अ लॉयर एंड यू गेट टू meet him or ever get to present your case before him you'll be so happy i mean he's one of my favorite judges and i have appeared uh, like before him he's such a nice judge chalo aage chalte hain ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं अब यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि यार ये जजमेंट आई है ये जजेस ने ये दी है खत्म बात नहीं खत्म नहीं हुई अब हमने बात करनी है कि इसका बैकग्राउंड क्या था बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत बहुत ही सॉलिड uh, बैकग्राउंड है और बहुत पुराना बैकग्राउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1985 एटी फाइव या इससे याद रखना जरूरी है कि 1985 में कौन सी जजमेंट आई शाह बानो की जजमेंट आई शाह बानो केस की जजमेंट आई और शाह बानो केस के अंदर क्या बोला गया शाह बानो केस के अंदर बोला गया कि जी कि जी विच अलाउड यहाँ पे लिखेंगे विच अलाउड Which allowed divorce Muslim woman, Muslim woman, to apply for maintenance from a magistrate under Section One Twenty Five of. CRPC 1986 अब यहां पर 1986 का लॉ लाया गया यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 ठीक है ना अब इस वाले एक्ट ये क्यों लेकर आए टू नलीफाई नल टू नलीफाई अबव जजमेंट नलीफाई का मतलब क्या होता है कि वट अबव जजमेंट सेड इज नॉट रेलिवेंट एनी मोर ठीक है ना उसका इफेक्ट खत्म कर दिया उसका इफेक्ट खत्म ठीक है ना जजमेंट का कि भैया अब ये एप्लीकेबल नहीं होती मतलब इसका उल्टा हो गया कि मतलब एक मुस्लिम वुमेन जो है वो अब सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस नहीं ले सकती ठीक है ना पर्सनल लॉ में अलाउड नहीं है तो मतलब उसको मेंटेनेंस ही नहीं मिलेगी तीन महीने बाद खत्म जाओ ठीक है विच इज़ नॉट राइट तो यहाँ पर जो हमारे अब जजेस हैं उन्होंने कहा कि भाई कर सकती है अप्लाई एक मुस्लिम वुमेन विच इज़ अ गुड लॉ लड़कों को भी मैं बोलूँगी आई नो अ लॉर्ड ऑफ मुस्लिम बॉयज़ वॉच माई वीडियो काइज यू नीड टू बी द चेंज इन योर कम्युनिटी इन फॉर इंडिया यू नीड टू चेंज कल को आपकी बेटी भी हो सकती है आपको अच्छा लगेगा आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो नहीं लगेगा ना तो फिर किसी और की बेटी के साथ ऐसा होते हुए आप कैसा अच्छा मान सकते हो ठीक है चलिए आगे चलेंगे ओके कैन ऑफ वॉम्स कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब क्या होता है अ सिचुएशन दैट कॉजेज अ लॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम ठीक है फॉर यू वेन यू स्टार्ट टू डील विद इट ठीक है तो सबसे पहले ईडियम का मतलब लिख सकते हैं कैन ऑफ वॉम्स वर्म्स क्या होते हैं कीड़े ठीक है ना जो पेट में होते हैं अ सिचुएशन जो नहीं होने चाहिए अ सिचुएशन दैट कॉजस कौन कौन अपने नाखून खाता है इसी बात बताओ मैं तो बहुत खाती हूँ भाई इतना शौक है मुझे अपने नेल्स खाने का बड़े यम लगते हैं मुझे प्रॉब्लम्स फॉर यू वेन यू स्टार्ट टू डील विद इट मतलब किसी चीज़ को बंद साइड पे रखा हुआ था और फिर तुमने कहा चलो आज इस प्रॉब्लम की अपनी गर्लफ्रेंड से मैं ये बात करता हूँ कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है और फिर पता चला कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी कैन ऑफ वॉर्म्स अ सिचुएशन दैट कॉजेज अ लॉड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू वैन यू स्टार्ट टू डील विद इट ठीक है कैन ऑफ वॉर्म्स अब कैन ऑफ वॉर्म्स क्या बन गया है एन नीट का पेपर ठीक है ना अब यहाँ पर ये यह बात कर रहे हैं आईआईटी मद्रास के बारे में कि आईआईटी मद्रास द सेंटर हैज लीन टू हैविली लीन का मतलब क्या है रिलाय किया है उसके ऊपर उसकी ज़्यादा बात करिए उसके ऊपर डिपेंड किया रिलाय डिपेंड तो लीन का मतलब यह होता है ठीक है लीनड हैविलीली ऑन अ रिपोर्ट अ डाटा एनालिसिस सबमिटेड बाय आईआईटी मद्रास आईआईटी मद्रास की एक रिपोर्ट आई है जिसने बोला है कि मैल प्रैक्टिसिस नहीं अगर हुई द रिपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव समरी क्लेम दैट देर वॉज नो एबनॉमिटी दैट वॉज डिस्कवर्ड इन सेंटर एंड सिटी वाइज एनालिसिस दैट वॉज डन फॉर टू ईयर्स द एनालिसिस वॉज कैरिड आउट फॉर द टॉप वन पॉइंट फोर लैख रैंक्स इन द कंट्री इट फर्दर स्टेटेड दैट देर वॉज नो एविडेंस ऑफ वी द माल प्रैक्टिस और अ लोकलाइज सेट ऑफ कैंडिडेट बेनिफिटिंग अब यहां पर अगर आपको नहीं पता ये नोट नहीं ना, मैं जो लिख रही हूं जो नीट का इशू है वो क्या है नीट आ, जो एग्जाम है वो मेडिकल आ, जो आफ्टर ट्वेल्थ अगर मेडिकल के अंदर आपको कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेनी होती है जैसे एम बी इन सब के लिए नीट का एग्जाम लगता है ठीक है अब नीट के अंदर कहा जा रहा है कुछ को, कोई कह रहा है कि इसके अंदर चीटिंग हुई है कैसे चीटिंग हुई है पेपर लीक हुआ है ठीक है ना पेपर लीक हुआ है आ, कोई कह रहा है कि इसके अंदर चीटिंग करवाई गई है कि सेंटर्स में कुछ गलत ना हुआ पेपर लीक हुआ है ठीक है क्यों ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि एकदम से जो टॉपर्स हैं वो बढ़ गए मतलब सेवन ट्वेंटी मार्क्स का होता है शायद ये जहां तक मुझे पता है सेवन ट्वेंटी मार्क्स का और सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी बहुत बच्चों के आ रहे हैं विच इज़ नॉट मतलब नॉट द केस नॉर्मली मतलब सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी इतने बच्चों के नहीं आते इतने सारे बच्चे जो हैं टॉपर्स नहीं बनते हैं और जो एक पर्टिकुलर रैंक मतलब मार्क्स हैं वो भी बहुत सारे बच्चों के हैं मतलब अबव सेवन हंड्रेड जो है सेवन हंड्रेड प्लस बहुत सारे बच्चों के आए हैं जो कि पहले दस पंद्रह बच्चे ही होते हैं इस बारी आई थिंक बहुत सारे हैं तो वो कह रहे हैं ऐसा कैसा हो गया तो आई मद्रास की जो ये एनालिस है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सिलेबस कम हो गया क्योंकि सिलेबस कम हो गया इसलिए हो गया दो ओवरऑल इंक्रीज ऑफ मार्क्स अमंग स्टूडेंट्स अ चार्ज दैट वाज लेड आउट इनिशियली इज एट्रीब्यूटेड टू 25 परसेंट रिडक्शन इन सिलेबस क्योंकि सिलेबस कम हो गया बच्चों ने सारा सिलेबस पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये हो गया तो टॉपर्स बहुत सारे हो गए हैं ठीक है ना अब जिस रैंक पे पिछले साल एडमिशन होती थी शायद इस साल पर एडमिशन ना हो बच्चों की तो ये भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि आई मद्रास की ये रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया की मैल प्रैक्टिस नहीं हुई हैं और अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट जो नंबर बढ़े हैं बच्चों के वो क्यों बढ़े हैं क्योंकि ट्वेंटी फाइव परसेंट रिडक्शन इन सिलेबस हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट रिडक्शन इन सिलेबस हुआ है ठीक है जी ओके आगे चलेंगे डेंगू डेंगू केसेस हैव सोर्ज, सोर्ज का मतलब क्या होता है वो टर्म है इंक्रीज बढ़ गए हैं इंडिया में और वर्ल्ड के अंदर भी ठीक है ना आ, और ये डेंगू जो है वो क्या है डेंगू या डेंगू इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या है डेंगू इज अ डेंगू इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या है वेक्टर बॉर्न डिजीज है आगे चलेंगे जीका वायरस जीका भी मॉस्किटो से होती है जीका के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है तो जीका जो है इंडिया के अंदर केसेस आने लग गए हैं जीका के और पहले ये ना यूपी बिहार में होता था अब ये पुणे में भी पाया जा रहा है ठीक है वॉट इज जीका वायरस एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जीका वायरस इज मॉस्किटो बॉर्न वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन यूगांडा इन 1947 फोर्टी सेवन इन रिसर्स मैकोई मंकी ठीक है ना अब यहां पे जीका का हमें पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं जीका वायरस का तो दिस तो 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 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीका वायरस का हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट ठीक है ना जीका वायरस क्या है जीका जीका वायरस इज अ इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस ये क्या है मॉस्किटो बॉर्न वायरस है ठीक है ना फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा इन 1947 ठीक है ना किसके अंदर इन रियस मेखाखो मंकी ठीक है ना अल्टीमेटली ये सब पहली बार एक मंकी में पाया गया था युगांडा में 1947 में ठीक है ना फॉलोइंग um, uh, by एविडेंस इन्फेक्शन एंड डिजीज इन humans एंड अदर अफ्रीकन्स इन नाइनटीन फिफ्टीन ठीक है ना तो नाइनटीन फिफ्टीज में नाइनटीन फिफ्टीज में फाउंड इन ह्यूमन्स ठीक है ना ह्यूमन्स को हो गया humans इन एफ्रीकन कंट्रीज पहले बंदर को हुआ और बंदर से फिर के बाद हमें भी होने लगे इंसानों को जिका वायरस अकर्स थ्रू द बाइट ऑफ इंफेक्टेड एंडिस मॉस्किटो ठीक है ना कैसे होता है ये थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज़ एड से याद रख सकते हो इसको मस्किटोज मॉस्किटोज मस्किटोज ठीक है अब इसके बाद मेनली अब इसमें इन्होंने नाम भी दिया हुआ उस मच्छर का ठीक है ना अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है एगी पिटी ठीक है ना अंडा पिट गया <laughs> तो ये मॉस्किटो का नाम है और दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि डेंगू वाला जब मच्छर जब मतलब नया नया था ना हर कोई पूछता था भाई कौन सा फैला हर पेपर में आता था ये हर पेपर में ठीक है चलो अब यहाँ पर ट्रांसमिट विच ऑल्सो ट्रांसपिट्स चिकन गुनिया ओह ये चिकन गुनिया बात चिकनगुनिया तो बहुत गंदा भाई मेरी टीम को हुआ था मतलब दैट ईयर आई कै नॉट फर्गेट इट वॉज सच अइट मेयर आई डोंट नो वेदर इट वॉज इन अवर ऑफिस वॉट हैपन लाइक एवरी वन हैड चिकन गुनिया एंड दिस इज सच अ बैड थिंग मैं ना तुम्हें आई शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम देर इज दिस वन थिंग दैट यू शुड अप्लाई टू गेट सेफ फ्रॉम दिस चिकनगुनिया ऑल्सो ऑल्सो ट्रांसमिट्स ये तुम बना लेना ट्रांसमिट्स चिकनगुनिया ये सेम मच्छर द एडीज मॉस्किटो यूजली बाई ड्यूरिंग द डे सेक्शुअल ट्रांसमिशन ठीक है ना ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटर्स अब इसके अंदर जो जीका वायरस है ना ये ज्यादा मदर टू फीटर्स को होने का जो प्रेगनेंट लेडीज है उनको नहीं होना चाहिए एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो रूट तो ब्लड फ्यूजन से भी ये ट्रांसफर हो सकता है ट्रांसफर ऑफ ब्लड से भी हो सकता है एंड ड्यूरिंग द डे ये काटता है जैसे डेंगू का मच्छर होता है ना वो तो कहते हैं कि सुबह और शाम को ही काटता है ये दिन में भी काटता है ठीक है ना हाँ सुबह शाम डेंगू के मच्छर से बचो दिन में ये जिक्का से बचो ठीक है मार्च ट्वेंटी ट्वेंट अब यहाँ पर इसकी टेस्टिंग कहाँ पर होती है वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग का हमारे इंडिया में कोई भी ऐसे पर्टिकुलर जगह नहीं है ठीक है द लिमिटेशन द रिपोर्ट इंडर्स और कंट्रीज रिलेटेड टू डायग्नोज डायग्ग्नोज क्यों नहीं होता क्योंकि हमारे पास बहुत सिलेक्टेड सेंटर्स हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योलॉजी पुणे वहां पर ब्लड सैंपल्स भेज कर, कर सकते हो और कहीं नहीं इसकी इंजेक्शन भी नहीं आई है वैक्सीन नहीं आई है जो है मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज के साथ ये ज्यादा खतरनाक है बच्चे के लिए जो प्रेग्नेंट वूम में बच्चा है प्रेग्नेंट लेडीज को ये ज्यादा वो कर जाता है ब्रेन को भी वो कर जाता है ठीक है तो ये है जीका वायरस आह कितने सुंदर नोट्स बनाया मैंने वाह मजा आ गया चलो हॉल ऑफ फेमर्स अमृतराज पे पेस एंड इवानस फीटेड अब यहाँ पर विजय क्या कह रहे हैं विजय अमृतराज लेंडर पेस एंड रिचर्ड इवान्स द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ इंडक्ट्रीज वर ऑनर्ड एट एन इवेंट तो यहाँ पर ठीक है कौन कौन ठीक है यहाँ पर लिखेंगे टेनिस टेनिस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऐसे लिखेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज़ जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया 2024 में अब यहाँ से क्वेश्चन पता क्या आएगा ऑल ऑफ द अब कौन सा नहीं ऐड हुआ है तो इनको याद करना जरूरी है तो कि कौन कौन ऐड हुआ है सबसे पहला नाम है विजय विजय अमृत राज बहुत ईजी है विजय अमृत और राज दो तीन दोस्त ठीक है लैंडर पेस वेरी वेरी इजी ये तो लारा दत्ता के हस्बैंड है ठीक है ना तो लारा दत्ता तो सबको ही बहुत पसंद है कितना सही बोलती हैं वो रिचर्ड इवान्स ईवान्स नाम बहुत अच्छा है और रिचर्ड रिची रिच से याद कर लो ठीक है तो यहाँ पर ये तीन है हेल ऑन साइलैंड अमृतराज अब यहाँ पे ना इन्होंने बताया हुआ है प्लेयर्स के बारे में एक मिनट अगर ये तीनों नहीं लिखा है ना हम्म hmm, ऐसा ही करेंगे अगर तीनों नहीं लिखे हैं तो विजय अमृतराज के बारे में लिखेंगे हम पहले विजय अमृतराज कौन है फॉर्मर टॉप ट्वेंटी प्लेयर सेलिब्रेटेड एंड ऑदर कॉन्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी एंड एटीन टाइम अंडर पैर वॉज इन द फर्स्ट बे ठीक है ये तीनों के नाम ही लिखने हैं बस ठीक है ना तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन पैस वॉज फर्स्ट Batch of trainees was in first batch of trainees uh, at the Britannia Amritraj Tennis Academy, Chennai, Bat Chennai. ठीक है ना अब यहां पे समझ रहे हो कि इनकी ट्रेनिंग एकेडमी में ये गए थे और तीनों एक साथ ऐड हुए हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है जी हो जाएगा ये पहले भी हमने पढ़ा है उसके बाद इंडिया होस्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स एमिड रीजिंग मेनमार क्राइसिस तो मेनमार में क्राइसिस क्यों है बिम्स्टेक क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ना सेवन मेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट इज बिम्स्टेक ठीक है ना अब बिम्स्टेक के इंडिया भी पार्ट है और इंडिया ने फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग करवाई अब मेनमार में क्या हो रहा है ठीक है लिखना नहीं है इसको समझेंगे पहले हम तो मेनमार में ना कू हो गया था कू क्या होता है जो गवर्नमेंट इन पावर है ठीक है ना ये इंसान को लोगों ने इलेक्ट किया है अपना लीडर ठीक है ना अब यहाँ पर मोस्टली आर्मी वाले ये है करते हैं पर कोई और भी कर सकता है आर्मी आई उसने लात मारी और आर्मी लीडर आर्मी का जो हेड है वो लीडर बन के बैठ गया अब वो देश चला रहा है म्यानमार में यही हुआ है कू हुआ है वहाँ पर ठीक है ना ओवर गवर्नमेंट इन पावर ओवर थ्रोइंग गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल ठीक है ना और खुद पावर में आ जाते हैं ये अब वहाँ पे आर्मी का लीडर पावर में आ गया तो वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है सिविल वॉर क्या होती है इट इज एन इंटरनल वॉर इन द कंट्री ठीक है ना तो वहाँ पर इंटरनल वॉर चल रही है ठीक है ना ये कहाँ पर हो रहा है म्यांमार में, में तो बहुत दिक्कत वाली बात है लोग जो है रिफ्यूजीज इधर तो उधर जा रहे हैं कंट्री के अंदर बड़े कुछ हो रहा है तो अब का मेंबर है म्यांमार तो दिक्कत है शुड फाइंड सोल्यूशन टू द रीजनल चैलेंजेस इट एड्रेसिंग द फर्स्ट बिमस्टेक फॉरन मिनिस्टर रिट्रीट हेल्ड हेर ठीक है ना तो फॉरेन मिनिस्टर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट हुई है यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट टाइम सच एन इवेंट इज ऑर्गेइज सिंस द चार्टर ऑफ बिमस्टेक बिम्स्टेक का चार्टर जो है वो साइन हो गया कि कैसे क्या होगा मे ट्वेंटी और ट्वेंटी को साइन हुआ है क्या डेट इंपॉर्टेंट है येस इट इज इंपॉर्टेंट विच मार्क द लैंडमार्क डेवलपमेंट द डिवेल्पमेंट्स इन मायानमार पोस्ट बिम प्रॉब्लम है बिम्स्टेक के मेम्बर्स कौन है ठीक है उसके बाद अ डे बिफोर द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग द मिलिट्री जूनता मिलिट्री जूनता किसको बोलते हैं हेड ऑफ मिलिट्री को बोलते हैं ठीक है ना तो बहुत मेजर रीजन जो है वो लूज आउट कर दिया अब बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पर पढ़े हम तो बिम्स्टेक के बारे में लिखा मैंने नाटो के बारे में लिखा है ऐसा कैसा हो सकता है नहीं ये देखो ये लिखा है बिम्स्टेक इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ सेवन मेंबर्स फाइव डिराइविंग फ्रॉम साउथ एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल श्रीलंका टू फ्रॉम साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन म्यांमार थाईलैंड तो ये मेंबर्स हैं सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में हम लिखेंगे पढ़ के हो रहे हैं ठीक है यहाँ पर लिखेंगे uh, बिम्स्टेक इंडिया होस्ट इंडिया होस्ट बिम्स्टेक्स बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक फॉरन मिनिस्टर्स ये कैपिटल होना चाहिए था Foreign मिनिस्टर्स ठीक है अब यहां पर बिम्स्टेक ये लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम सच इवेंट ऑर्गेनाइज आफ्टर साइनिंग ऑफ चार्टर ऑफ बिम्स्टेक तो बिम्स्टेक का जो चार्टर है वो कब साइन हुआ है ट्वेंटी मे को 2024 को ठीक है अब अगर हम बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन बनता है तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्सटेक ठीक है ना अब इसमें सेवन मेंबर्स हैं इट इज अ सेवन मेंबर सेवन मेंबर्स हैं कौन कौन है सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंडिया भूटान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका थाईलैंड और म्यांमार ठीक है ना ये कंट्रीज हैं तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं बिनी बिनी से याद कर सकते हैं बिनी एम एस बी या कुछ भी ऐसा ठीक है ना सेवन कंट्रीज हैं इसके अंदर अब ये क्वेश्चन आ सकता है यू हैव टू लर्न इट अब इसमें द सब रीजनल ऑर्गेनाइज इन टू बींग ऑन नाइनटीन सेवन और, और बिमस्टेक का सेक्रेटरीट कहां पर है ये लिख लेते हैं एक एक्स्ट्रा एक 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 क्वेश्चन बिम्स्टेक सेक्रेटरीट कहाँ पर है ढाका बांग्लादेश ढाका बांग्लादेश में है ठीक है तो ये है तो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इंडिया में हुई है चार्टर साइन हुआ है उसका ठीक है ना कि कैसे न्यू इसकी वजह से नए मेंबर्स भी ऐड हो सकते हैं इसके अंदर ट्वेंटी मे को ही ये चार्टर साइन हुआ है आगे चलेंगे नाटो के बारे में बात करेंगे चाइना इज अ डिसेसिव इनेबलर ऑफ रशियाज वॉर अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि चाइना की वजह से ही रशिया जो है वॉर में अभी तक खड़ा हो पा रहा है ये कौन बोल रहा है नाटो अब नाटो क्या है सबसे पहले नाटो के बारे में लिखेंगे नाटो की फुल फॉर्म लिखेंगे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है थ एटलांटिक ट्री डी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना अब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी थी ठीक है ना और ये सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी की जो सम्मिट हुई वो कहाँ पर हुई वॉशिंगटन यूएसए कहाँ पर हुई वॉशिंगटन यूएसए बहुत बढ़िया बात है ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ अब यहाँ पे बातें हुई कि तुम्हें पता है कि रशिया जो है ना वो वॉर रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की वॉर क्यों स्टार्ट हुई क्योंकि यूक्रेन भैया को नाटो ज्वाइन करना था ठीक है ना रशिया भैया कहते कतई नहीं करने दूंगा जान ले लूँगा जान दे दूंगा पर यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने नहीं दूंगा तो इसी की वजह से हुआ था लड़ाई स्टार्ट ठीक है अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है तो नाटो की कंट्रीज क्या कह रही है नाटो कंट्रीज कह रहे हैं कि भैया देखो समझो तुम समझदार बनो रशिया को कौन फीड कर रहा है चाइना फीड कर रहा है क्या कह रहे हैं कि चाइना जो है वो रशिया को फीड कर रहा है कैसे फीड कर रहा है क्या दे रहा है रशिया को चाइना ऐसा तो वो कह रहे हैं कि सेमी दे रहा है और डेक्लेन फॉर नाटो रिलीज ऑन वेनजे कॉल्ड बीजिंग मतलब डिसेसिव इनेबलर ऑफ रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन थ्रू द सप्लाईज ऑफ ड्यूल यूज गुड्स माइक्रो चिप्स दैट कैन हेल्प मॉस्कोज मिलिट्री चाइना नॉट इनेबल द लार्जेस्ट वॉर इन यूरोप इन रीसेंट विदाउट तो यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि चाइना क्योंकि माइक्रो चिप्स जो है वो सप्लाई कर रहा है रशिया को इसीलिए ही रशिया जो है वॉर में सस्टेन कर पा रहा है अब यहाँ पर लिख लेंगे कि जो नाटो है वो थर्टी टू नेशन कंट्री है यार बहुत बच्चे कह रहे हैं गूगल पे थर्टी वन लिखा है अरे भाई मैं बता रही हूँ ना अभी स्वीडन ऐड हुआ है थोड़ा सा तो मैं भी गूगल बनती जा रही हूँ उम्र के हिसाब से और ये हर रोज पढ़ा पढ़ा के ऑलमोस्ट गूगल वाली फील आती है मुझे भी कोई भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता है उसके बारे में मुझे पता होता है मैं बोलने लग जाता है मुझे रुकना पड़ता अपना बस बहुत ज्ञान दे दिया द यू एस अनाउंस इट वुड बिगिन एपिसोडिक इम्प्लॉयमेंट्स ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू जर्मनी ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स द व्हाइट हाउस सेट इट वुड इवेंचुअली लुक टू परमानेंटली स्टेशन दैम इन जर्मनी एंड द मिलाइज वुड हैव सिग्निफिकेंटली लॉन्गर रेंज दैट करंट यू एस सिस्टम्स इन यूरोप तो यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया वन ऑफ द मेजर डिसीजन क्या लिए गए हैं यू एस अनाउंस्ड टू बिगिन एपिसोडिक मतलब धीरे धीरे एपिसोडिक डिप्लॉयमेंट्स ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू जर्मनी इन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ठीक है अब आगे चलेंगे अब यहां पर नाटो एलाइज ऑन वेनसडे अनाउंस दे हैड स्टार्टेड ट्रांसफरिंग एफ सिक्सटीन जेट्स टू यूक्रेन ठीक है अब ये फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा नाटो एलाइज हैव स्टार्टेड ट्रांसफरिंग एफ सिक्सटीन जेट्स टू यूक्रेन ठीक है ना और एक और पॉइंट यूएस प्रेसिडेंट वेलकम दर्टी वन लीडर्स ऑफ द अलाइंस बिफोर अर्जिंग देम टू पेस विद रशिया मिलिट्री प्रोडक्शन ठीक है ये नहीं नोट करना ठीक है वो कह रहे हैं कि मिलिट्री तुम भी प्रोड्यूस करो पूरा प्रोडक्शन प्रोडक्शन ठीक है बिकम सेंडिंग ओके यहाँ पे एक और चीज थी <laughs> एक और चीज थी की वॉन हाँ 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 यूक्रेन है यूक्रेन नाटो प्रोमिस्ड नाटो प्रॉमिस प्रोमिस्ड इवेंचुअल मेंबरशिप मेंबरशिप इन अलायंस प्रोमिस्ड यूक्रेन सॉरी की इज यूक्रेन इवेंचुअल मेंबरशिप इन अलायंस ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने बात करी ना कि यहाँ पर ये लड़ाई ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई क्यों लगी क्योंकि नाटो का मेंबर बनना चाहता है ठीक है ना बट अब ये भी है, ये हर बार ही कह देता है कि हाँ हाँ देखते हैं करते हैं ठीक है ना अब थोड़ा यूक्रेन को भी तो बटा के रखना है अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हुई लगी हुई है उसकी सैन फ्रांसिस फर्नांडो बिकम्स फर्स्ट मदरशिप टू डॉक अब ये तो ये वाली बात है लड़की ने घर पर बता दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है अब मुझे इसी से शादी करनी है ठीक है ना और लड़का कह रहा है भाई मेरे को नहीं करनी अब ये तो वो वाली बात है नाटो ने नाटो के चक्कर में वॉर स्टार्ट हुई ठीक है अब नाटो बोल दे कि भैया हमको नहीं पता है हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और हम तुम्हारे को यहाँ पे लेंगे भी नहीं अंदर ठीक है ना तो ये बात है आई होप ये एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे क्योंकि तुमको ये एग्जाम्पल ही मजेदार लगती हैं अब यहाँ पे लिखेंगे कौन सी शिपाई सैन ठीक है सैन फर नान दो पे गए हो यार वो होता नहीं है यार तुम क्रिकेट मैच देखने जाते हो नान्डोस फर्न भी होता है फर्न एंडो फर्न एंडो फर्न तो हर चीज़ का होटल होटल का नाम होता है सैन फर्न एंडो ठीक है ना ठीक है नहीं तो नान और फर तुम तो नान्डो उसका बर्गर खा रहे थे उसमें से किसी का फर निकल गया ठीक है ना सैन तो तुम बहुत सैड हो ठीक है बिकम्स बिकम्स फर्स्ट मदरशिप शिप की भी मम्मी होती है फर्स्ट मदरशिप टू डॉक एट विज हिंजम पोर्ट अब विजिंजम पोर्ट जो है केरला में बहुत ही मुश्किल से बनाए ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी कि भैया फिशरमैन कहते हैं हमारी मच्छी चली जाएगी मत बनाओ पर अब ये बन गया है केरला के अंदर पहली ये पहुंची है ठीक है विजिम पोर्ट अब ये क्या है विजिम जो है वो इंडियास फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट कंटेनर ट्रांस शिपमेंट सीपोर्ट है ठीक है ना अब यहां पर मार्शल आइलैंड फ्लैंग अब सैन फ्रांसिस्को के बारे में नहीं नहीं सैन नंदोज के बारे में सैन फर नंदो फर मिला नंदोज के बर्बर में ठीक है ना तो सैड हो गए फर नंदो क्या है ये मार्शल आइलैंड फ्लैग मार्शल मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड ओन्ड बाय एस एफ एल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रॉस आउट भी हो सकता है ये द दश वॉज विद वाटर ये वो ठीक है ठीक है ठीक है हाँ केरला गवर्नमेंट विद अदानी प्रोमोटेड अब यहाँ पे ये यह लिखेंगे केरला गवर्नमेंट विद अदानी ग्रुप इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड स्टार्टेड इन 2015, ठीक है ना ये पोर्ट जो है पब्लिक प्राइवेट मतलब कुछ हिस्सा जो है केरला गवर्नमेंट का है कुछ अदानी का है 2015 में स्टार्ट किया था ये विजिमगम पोर्ट के बारे में बात करें ना दिस इज इम्पॉर्टेंट चलो आगे चलें तो इतना ही है चलो अब तुम तुम्हें और पढ़ाते हैं इलेवेंथ का भी करवा देती हूँ वेस्ट बंगाल सूट अगेंस्ट सी बी आई प्रोब्स मेन्टेनेबल एस सी अब यहाँ पर जो सी बी आई है ठीक है वो ऐसे ही नहीं कि मन चला किसी भी स्टेट में जाकर के हम ये करेंगे वो करेंगे कर ले ऐसे नहीं कर सकते क्या फिर तो स्टेट ने परमिशन दियो ऐसे परमिशन दे देते कि तुम किसी भी केस में हमारे यहाँ आ सकते हो हमको कोई दिक्कत नहीं है बट वेस्ट बंगाल ने ये परमिशन नहीं दी हुई है तो तुम्हें पर केस परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमारे पास ना इस बंदे के अगेंस्ट ये एविडेंस है क्या हम उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ये सब कुछ कर सकते हैं ठीक है अब इन्होंने ऐसा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेनजे आप हेल्ड द मेंटेनेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है हाँ ये हमारा हक है कि हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं बट कोर्ट देखेगा कि यार केस बनता भी है या नहीं ठीक है तो वो कह रहे हैं कि केस तो बनता है ऑफ एन ओरिजिनल सूट फाइल बाय वेस्ट बंगाल विच अक्यूजेज द सेंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनी ओवर रीच एंड वायलेटिंग फेडरलिज्म बाई यूनिलैटरीली इंप्लॉइंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विदाउट द स्टेट फायर कंसेंट अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो तो टर्म्स यूज करी गई हैं वो समझते हैं ये लिखना नहीं अभी ठीक है फेडरलिज्म फेडरलिज्म क्या है वॉट इज फेडरलिज्म डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिविजन ऑफ पावर्स को हम फेडरलिज्म कहते हैं ठीक है ना यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब होती है कि जब एक ही गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वही सब डिसीजन लेगी स्टेट होगी ही नहीं या फिर उसके पास पावर्स नहीं हो हमारे इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है फेडरलिज्म वी आर फेडरलिज्म वी आर फेडर, फेडर, आ, हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूनिटरी नहीं है ठीक है तो वो कह रहे हैं कि ये तो फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय करें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है आप हमारी जो पावर है उसको लेकर जा रहे हो क्योंकि यू आर इन्वेस्टिगेटिंग विदाउट आर प्रायर कंसेंट ये वेस्ट बंगाल बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बिल्कुल सही बात सीबीआई को सेंटर ऐसे यूज़ नहीं कर सकता कि कहीं पे भी घुसा दे ठीक है ना अब यहाँ पर द सी बी आई इज़ एन ऑर्गन और बॉडी विच इज़ इस्टैब्लिश बाई बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पावर्स ऑफ सुप्रिटेंडेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही हैं तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि सी बी आई जो है वो मेरे अंडर नहीं आती है वो अपनी अटोनमस बॉडी है इंडिपेंडेंट बॉडी है बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो डी एस पी ई एक्ट के अंदर आती है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके कंट्रोल में है उसके कंट्रोल में सी बी आई है ठीक है ना तो यहाँ पर हम सारी स्टोरी लिख लेंगे वेस्ट बंगाल Whispering all files case against case saying center has violated federalism by employing by uh, employing CBI. by employing CBI without state's prior consent. ठीक है ना तो यहाँ पर CBI क्या होती है CBI is Central Bureau of इन्वेस्टिगेशन तो वेस्ट बंगाल कह रही है कि भैया हमारी परमिशन के बिना जब हमने इनको जनरल कंसेंट नहीं दिया हुआ ये हमारे यहाँ घुस कैसे गए ये तो फेडरलिज्म दैट इज डिविजन ऑफ पावर जो है हमारी वो उसके ऊपर वो वायलेट इन्होंने किया जो कि नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ठीक है न तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से सी बी आई अंडर ठीक है ना अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि वो कौन से एक्ट के अंदर है अब इसकी फुल फॉर्म लिख लेना एक्ट की डी एस पी ई एक्ट के अंदर आता है हाँ डेली स्पेशल ये इसकी फुल फॉर्म लिख लेना दो मैं अभी तुम्हें बता ही देती हूँ मुझे पता है आधी जनता नहीं लिखेगी बहुत आलसी हो तुम बहुत ज्यादा ये देखो डेली स्पेशल डेली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट सी बी आई बना है ठीक है जी चलिए आगे चलेंगे डायफोर्सड मतलब इसके अंडर ही आता है इसके थ्रू ही पावर्स वगैरह मिलती हैं ठीक है डायवोर्स मुस्लिम वुमेन इन टाइटल टू सेक्युलर रेमेडी ये हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है ना इसके अंदर एमिकस क्यूरे टर्म यूज़ किया हुआ है कौन सा टर्म यूज़ किया हुआ है एमिकस क्यूरे एमिकस क्यूरे कौन होता है ये लिख लो एमिकस क्यूरे इज इज प्यूरे नहीं बेटा क्यूरे एमेकस क्यूरेस फ्रेंड ऑफ कोर्ट अब फ्रेंड ऑफ कोर्ट कौन होता है दोस्त कोर्ट का भी दोस्त होता है कोई अब देखो यार कोर्ट के अंदर ना कभी कभी कोई केस आता है तो जज बोल देते हैं कि बेटा तुम भी तुम ये केस में आ जाओ तुम रिसर्च कर दो किसी वकील को बोल देंगे जो अच्छा होगा ऐसे किसी भी नहीं तो उसको एमिकस क्यूरे कहते हैं क्या कहते हैं उसको एमिकस क्यूरे कहते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट ठीक है अब आगे चलेंगे ये तो सेम है अब आगे चलेंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजेंस मस्ट एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि क्योंकि तुम इस पर्टिकुलर कास्ट के हो तो तुम ये काम करोगे तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है खत्म होना चाहिए द तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेनजे इंडिकेटेड इट इंटेंशन टू आस्क होम मिनिस्ट्री टू इंटरवीन विद द स्टेट एंड चेंज ओवरऑल का मतलब क्या होता है चेंज कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एंड होनी चाहिए ठीक है ये नोट करने वाला कुछ नहीं है इसमें आगे चलेंगे फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट्स हिस्ट्री थ्री ट्रांसजेंडर पर्सन हैव क्लियर द रिसेंटली इंक्लूडेड बिहार पुलिस तो बिहार में फर्स्ट टाइम इन बिहार थ्री ट्रांसजेंडर्स थ्री ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैव क्लियर्ड पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जाम कितनी अच्छी बात है सर्विसेज एग्जाम ये लोग भी पढ़ रहे हैं तो मांगना नहीं होगा अब इनको दे जस्ट देसो बी इक्वली एम्पावर्ड पढ़ाई जो है वो इम्पावर कर देती है अब आगे चलेंगे यहाँ पर इवन द और जॉब्स अब यहाँ पर ये बात करें गिग वर्कर्स की किसकी बात करें लोग गिग वर्कर्स की बात करें गिग वर्कर्स कौन होते हैं हमने बात करी थी ना जो फ्री होते हैं जो किसी कंपनी के साथ जुड़े नहीं होते हैं बट उसका काम कर देते हैं उनकी मर्जी है कब से कब तक काम करें जैसे ऊबर ड्राइवर ओला जोमैटो स्विगी ये सारे जो हैं दीज आर गिग वर्कर्स ठीक है फॉर इंडियाज गिग वर्कर्स हु आर इंक्रीजिंग इन नंबर अब जो इंडिया के गिग वर्कर्स हैं ठीक है ना पर्च आर पर्च प्रिकसली पर्च का मतलब क्या है दे आर ऑन द एज बहुत ही रिस्की एज में है जैसे ही कोविड आया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन थे जो डेली वेजर्स थे जो ये लोग थे ठीक है जोमैटो का ऑर्डर कौन लेगा आप दे नहीं सकते बैन लग गया कैसे कमाएंगे वो तो डे टू डे अर्निंग्स पे चल रहे होंगे उनके घर पर कर्नाटका जो है वो इसके लिए एक बिल लेकर आए इससे पहले कौन सा कौन सी स्टेट लेकर आई थी राजस्थान लेकर आई थी अब कौन लेकर ले आया है कर्नाटका ये हम ऑलरेडी नोट कर सक कर चुके हैं जो वो कैब टर्म्स हैं वो नोट कर लीजिए रिप्रीव का मतलब क्या होता है टू गिव रिलीफ अब यहाँ पर कर्नाटका सरकार जो है रिप्रीव दे रही है मतलब रिलीफ दे रही है इन लोगों को क्योंकि वो लॉ लेकर आ रही है जो डिसमिसल कर देते हैं ऐसी जो मतलब एक जो ऐसी इनकी सिक्योरिटी के लिए इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए लॉ लेकर आ रहा है कौन सी स्टेट लेकर आ रही है कर्नाटका ठीक है जो आगे वाली न्यूज है उसके लिए अलग से मैं वीडियो कर देती हूँ बट येस दैट्स इट अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप लॉगिरी डॉट इन से कर सकते हो एंड थैंक यू गाइज फॉर एडजस्टिंग